विश, विश हमारे लिए स्टार्टिंग से एक मिस्ट्री बना हुआ था, बट अब ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम विश की पूरी कुंडली निकालने वाले हैं। सो विश कैसे बना, विश से पहले कौन था, विश की हाइट, विश की जन्म तारीख और विश की उम्र। सो दोस्तों, विश की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट अगर उसकी एज की बात करें तो 200 मिलियन ईयर पुराना है। सो हमारा सोलर सिस्टम जो 4500 मिलियन पुराना है, तो हम ऐसा सोच सकते कि विश से पहले भी कोई एंजल होगा, बट हमें एग्जैक्ट पता नहीं वो कौन होगा। अब बात करते विश की हाइट की, तो विश की हाइट 230 सेंटीमीटर है, यानी कि 7.7 फीट, और विश का नेम विस्की से लिया गया है। सो गाइज, विश जो है वो यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मार्शल आर्ट टीचर है, और वो साथ में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मार्गदर्शक भी है। बाकी एंजल की तरह विश भी ग्रैंड मास्टर का बेटा है, और सभी एंजल की तरह वो भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सेवा करता है। और आपको पता ही होगा कि विश कभी भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि वीरस को अकेला नहीं छोड़ता। सो गाइज, विश पहले एंजल प्लैनेट्स पर रहता था, बट अब वो वीरस के प्लैनेट पर रहता है एज अ टीचर। सो विश इज मास्टर ऑन अल्ट्रा इंस्टेंट। सो गाइज, हमने अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ करते हुए गोकू को देखा है, बट आपको पता ही होना चाहिए कि अल्ट्रा इंस्टेंट जो है वो एंजल्स की टेक्निक है, और इसमें जो विश है वो मास्टर है। और आपको पता होना चाहिए कि वो एज ए नॉर्मल स्टेट यानी कि वो जैसा है उसमें भी वो अल्ट्रा इंस्टेंट धारण किया हुआ है। सो इसलिए विश स्पीड में सबसे ज़्यादा है, और वो खुद को अल्ट्रा इंस्टेंट में ही रखता है। विश इजीली हीलिंग पावर यूज। सो विश भीरस यहाँ तक कि गोकू और वेजिटा का टीचर है, पर हमें पता है जब भी वेजिटा और गोकू फाइटिंग करते वीरस के प्लेनेट पर, और वहाँ पर विश उन्हें वापस रिकवर कर सकता है, यहाँ तक कि वो इंजुरीज को भी रिकवर कर सकता है, वो छोटे मोटे चोटों या फिर घावों को इजीली रिकवर कर सकता है, यहाँ तक कि वो पावर अप भी कर सकता है किसी और को। विश also do normal delivery of newborn baby or mother. So tournament of power के कुछ दिनों पहले हमें पता है कि वेजिटा की बीवी यानी कि बुलमा जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तब विश बुलमा की नॉर्मल डिलीवरी करता है, और हाँ, वेजिटा को बेटी होती है। सो एज अ पावर वो किसी को भी मतलब नॉर्मल डिलीवरी कर सकता है, लाइक हमने देखा वो कितने इजीली उसने नॉर्मल डिलीवरी की। विश also fastest टीचर एंड आल्सो पार्टनर ऑफ वीरस। एज अ स्पीड वो यूनिवर्स में फर्स्ट नंबर पर आता है, और साथ में वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि वीरस का टीचर भी है, और यहाँ तक कि वो वीरस का पार्टनर भी है। यहाँ तक कि विश पर परमिशन भी है कि वो स्ट्रिक्ट हो जाए अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर। विश एज अ टीचर किसका भी टीचर बन सकता है, और वो किसको भी अपनी ट्रेनिंग दे सकता है, जहाँ पर एनिमे में साफ साफ पता चलता है कि विश किसी को भी ट्रेन कर सकता है। विश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स 7। सो विश यूनिवर्स 7 में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि उसका स्ट्रक्चर हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड विष्णु जैसा है, और एज इट इज़ वो यूनिवर्स 7 में सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर है, क्योंकि वो कभी भी सोता नहीं और वो अल्ट्रा इंस्टेंट धारण रहता है। सो विश कभी भी नहीं सोता, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ रहता होगा, यानी कि अनलिमिटेड एनर्जी, और अल्ट्रा इंस्टेंट के लिए भी कितनी एनर्जी चाहिए आप सोच सकते होंगे। दैट इज़ वी अ बेस्ट फाइटर। विश इजीली नो ऑल लैंग्वेजेस एंड ईजी टू टॉक अबाउट। सो गाइज, विश ओनली वन एंजल है यूनिवर्स 7 का, और इस हिसाब से उसे 12 ही यूनिवर्स के लैंग्वेजेस आते हैं, यहाँ तक कि 12 यूनिवर्स में जितने प्लैनेट हैं उन सब प्लैनेट्स की भाषा या फिर किसी भी यूनिवर्स की भाषा हो उसके प्लैनेट में डिवाइड होने वाली ऑल लैंग्वेजेस विश जानता है, यानी कि वो ऑल लैंग्वेजेस के ग्रामर में भी मास्टर है। विश डज नॉट डाई ईजिली और डज नॉट डेथ। सो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा कि एंजल्स जो है वो नेचुरली डेथ नहीं हो सकते, तो क्या विश में डेथ नहीं होगा? सो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। सो हर एंजल्स को एंजल्स रूल फॉलो करने पड़ते, और अगर वो एंजल्स रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसको इरेज कर दिया जाता है एज एग्जिस्ट, ना ही उसको हेलेक्स मिलेगा या फिर गोल्डन हेलेक्स, उसको सीधा इरेज कर दिया जाएगा। एंड द लास्ट फैक्ट इज़ कि विश किसी को भी वापस से ज़िंदा कर सकता है हेलेक्स। टूर्नामेंट ऑफ पावर में आप जानते होंगे फ्रीजा को उसने ठीक किया था,
जस्ट अ फन फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना, और अगर आपको किसी और कैरेक्टर के बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट करना, कैरेक्टर का नेम और उस कैरेक्टर या फिर उस एनिमे का नेम। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या फिर चुटाई, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।